बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC जॉब 2022 के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले अगर हम पोस्ट नोट की बात करें तो 31 जुलाई 2022 जो है पोस्ट नोट डेट है, लोकेशन जो है तकसीला है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो MBBS, ICMA, MCOM, MBA और मास्टर जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 14 अगस्त 2022 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी जो है अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC टकसीला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट पेज पब्लिश किया गया। एड्रेस के बारे में बात करें तो हेड HR हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC टकसीला जो है एड्रेस है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद लिस्ट ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो मैनेजर लोगेस्टिक मैनेजर लेडी मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पेज देखें तो ये जो है इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पेज है जो पब्लिश किया गया। इसके अंदर जो नंबर 1 पे पोस्ट है मैनेजर लॉजिस्टिक। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 1 अवेलेबल है। मैक्सिमम एज लिमिट जो वो 15 ईयर्स तक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मास्टर MBA जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा 10 से 12 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेकेंड नंबर पर है मैनेजर, उसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है वो 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करें तो 15 ईयर जो है एज लिमिट है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो मास्टर MBA जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड और 12 से 10 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। थर्ड नंबर पर लेडी मेडिकल ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है इसके लिए वो 1 है टोटल। एजुकेशन के बारे में बात करें तो MBBS और इक्वल जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड है। रीऑर्गेनाइज बाई PMDC PMC यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर जो है रिलेटिव पोस्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट जो इसके लिए 40 ईयर्स तक है। लास्ट पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो अवेलेबल है इसके लिए 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर्स तक है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो MBA MCOM CMA इंटर जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 3 से 5 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। लास्ट पे अगर अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करें तो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, जिससे आप सिंपली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आके आप सिंपली एडवर्टाइजमेंट पे रीड कर सकते हैं। उसके अलावा ये अप्लाई का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। सिंपली आपने जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर जो पोस्ट मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ से भी जो है रीड कर सकते हैं इस हवाले से। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आके अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अगर आप ऑलरेडी जो है यहाँ पर आपका लॉगिन बना हुआ है तो सिंपली आप जो है साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली जो भी डाटा यहाँ पर रिक्वायर्ड है सिंपली इसे फिल करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।